हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के अवसर पर कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित राम दैया धाम में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी नवरात्रि के 9वें दिन धाम से ज्वारा यात्रा निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा के मुख्य पुजारी जलती हुए खप्पर को लेकर आगे चल रहे थे। आस्था के सरोवर में डूबे श्रद्धालुओं की भक्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को फल, जल, शीतल पेय पदार्थ देकर आगे के लिए रवाना किया गया। नवरात्रि में 9 दिनों तक सेवा करने के बाद 9वें दिन यह ज्वारा यात्रा निकलती है, जो कुमार चौक स्थित गौवा देवता की पूजा अर्चना के बाद शहर का भ्रमण कर वापस धाम पहुंचती है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। वर्ष में दो बार, एक बार शारदीय नवरात्र, एक बार चैत नवरात्र में दो बार इस घड़ी चौक बैकुंठपुर में प्रति वर्ष जो रमदैया धाम से माता का जवारा यात्रा निकलता है 9 दिन के बाद, और पूरे भक्त बढ़िया नाचते गाते माता की भक्ति में लीन होकर, कोई मुंह में बाना लिया है, कोई हाथ में लगाया, कोई कहीं भी, इतनी भक्तिपूर्ण माहौल में प्रति वर्ष यहाँ घड़ी चौक में देवराहा सेवा समिति पूरे शहरवासियों के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और उनकी सेवा करती है। यहाँ पर फल फ्रूट कोल्ड ड्रिंक पानी से स्वागत किया जाए। रमदैया में प्रतिपदा के दिन जवारा बोया जाता है, 9 दिन वहां पर पूरी सेवा पूजा अर्चना करने के पश्चात नवमी को हवन के बाद जवारा की यात्रा निकलती है, जो इस घड़ी चौक में स्थापित गौहा देवता के स्थान पर आती है और यहां पर देवराहा सेवा समिति के द्वारा उन लोगों का पूरा जितनी भीड़ इनकी होती है सबका स्वागत, उनको जल, कोल्ड ड्रिंक, फल फूल इत्यादि से उनका स्वागत किया जाता है और इस तरह से यह यात्रा यहाँ से वापस जाकर पुनः उसी धाम में संपन्न होती है।